फाइनली 13 इयर्स के बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। इरफान पठान रोने लग गए, रोहित शर्मा रोने लग गए, हार्दिक पांड्या रोने लग गए और बहुत से सेलिब्रिटीज ने रिएक्ट किया इस वर्ल्ड कप की विन पे। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि किस सेलिब्रिटी ने रिएक्ट किया और किसने रिएक्ट नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने इतना अच्छा ओवर डाला था, हार्दिक पांड्या को लोगों ने बहुत ज्यादा प्राइज किया, हार्दिक पांड्या के कमबैक को प्राइज किया क्योंकि हार्दिक पांड्या की आईपीएल में लाइफ बहुत बुरी चल रही थी, उनके डाइवोर्स के रूमर्स भी आ रखे थे और आज भी वर्ल्ड कप में इतना अच्छा ओवर डालने के बाद उनके ब्रदर कृणाल पांड्या ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वहीं उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविक ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वहीं विराट कोहली ने वीडियो कॉल किया था अनुष्का शर्मा को, लेकिन वीडियो कॉल से पहले अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी क्योंकि सूर्य कुमार के कैच पर उन्होंने भी रिएक्ट किया था, OMG करके एक स्टोरी उन्होंने पोस्ट की थी। वहीं सचिन तेंदुलकर ने एक्स यानी कि ट्विटर पर उनका ट्वीट लिखा है, चक दे इंडिया। वहीं युवराज सिंह ने लिखा, यू डिड इट बॉयज, हार्दिक पांड्या यू आर अ हीरो, जसप्रीत बुमराह व्हाट एन ओवर टू ब्रिंग इंडिया बैक इन द गेम, रोहित शर्मा ग्रेट कैप्टेंसी अंडर प्रेशर, विराट कोहली राहुल द्रविड एंड द होल टीम वेल प्लेड, अक्षर पटेल आई एम शिवम दुबे कोई रह तो नहीं गया, ओ सूर्य कुमार यादव व्हाट अ कैच अंडर प्रेशर, इस टाइप से उन्होंने रिएक्ट किया। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया बधाई देते हुए टीम इंडिया को, लिखा चैंपियंस अवर टीम ब्रिंग्स T20 वर्ल्ड कप होम इन स्टाइल, वी आर प्राउड ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, दिस मैच वॉज हिस्टोरिक। वहीं अमित शाह ने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू वर्ल्ड चैंपियन टीम, अ ग्लोरियस मूवमेंट फॉर अवर नेशन, अवर प्लेयर्स पुट अ स्टीलर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप विद अनमैच्ड टीम स्पिरिट एंड स्पोर्ट्समैनशिप, द नेशन स्वेल्स विद प्राइड एंड देयर हिस्टोरिक अचीवमेंट, वेल डन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वहीं सोहेल खान और बाबा सिद्दीकी साथ में T20 वर्ल्ड कप देख रहे थे और जीत के बाद वो लोग पेपराजी के सामने आए थे जिसमें सोहेल खान ने टीम इंडिया की ही टी शर्ट पहनी हुई थी। वहीं जिन प्लेयर्स को नहीं लेके गए थे टीम इंडिया में उनमें से बहुत से प्लेयर्स के मैंने सोशल मीडिया हैंडल चेक किए, उन लोगों ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। KL राहुल स्पॉट हुए थे, उनसे पूछा गया था कि इंडिया का कल फाइनल है, तब उन्होंने उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। सर कल इंडिया का फाइनल है। राहुल भाई उन्होंने आज उनके सोशल मीडिया पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जीत के बाद ईशान किशन ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। दिनेश कार्तिक ने हेनरिच क्लासन की जो बैटिंग थी उसको एडमायर किया लेकिन टीम इंडिया के जीतने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं ऋषभ पंत की जो गर्लफ्रेंड है उन्होंने भी चैंपियंस वाला फोटो पोस्ट किया है, KR आडवाणी ने भी पोस्ट किया है, वरुण धवन ने भी पोस्ट किया है, लेकिन वहीं बड़े एक्टर्स की बात करूं तो शाहरुख सलमान और आमिर खान ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। वीरेंद्र सहवाग ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है टीम इंडिया को, उन्होंने भी ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये द वेट एंड्स, व्हाट अ कमबैक टू विन दिस, वी विन अ वर्ल्ड कप आफ्टर 13 इयर्स एंड T20 वर्ल्ड कप आफ्टर 17 इयर्स। और लोग बाग जानना चाह रहे हैं कि कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी का क्या रिएक्शन आया क्योंकि इन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता है। तो महेंद्र सिंह धोनी तो सोशल मीडिया यूज नहीं करते लेकिन उनकी वाइफ साक्षी धोनी ने भी उनके इंस्टाग्राम पर वीडियो को पोस्ट किया है, उसमें कैप्शन लिखा हुआ था हैप्पीनेस। 2011 टीम में खेलने वाले हरभजन सिंह ने भी रिएक्ट किया, ये मेरा इंडिया, वी आर द चैंपियंस, सो प्राउड ऑफ यू गाइस, लव वाली इमोजीज, नेशनल फ्लैग वाली इमोजीज, BCCI, इस टाइप से लोग खुशियां मना रहे हैं। जो प्लेयर्स आज की डेट में इंडियन टीम में खेलते हैं जो वर्ल्ड कप में नहीं खेले उनको भी थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहिए था लेकिन उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वहीं हार्दिक पांड्या की वाइफ का भी रिएक्शन देखने के लिए लोग वेट कर रहे हैं, उनका भी कोई रिएक्शन नहीं आया, ना ही उनके ब्रदर का कोई रिएक्शन आया है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कॉमेंट्स करके जरूर बताना, क्या आप खुश हो या नहीं, आपकी जो भी राय हो कॉमेंट्स करके जरूर बताना।